इग्नोरेंस आपका फेवरेट टॉपिक होता जा रहा है क्योंकि यहाँ हर दूसरा बंदा इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन उस इग्नोरेंस के पीछे क्या कोई गहन अर्थ होता है? बिल्कुल होता है। तो क्या मतलब या फिर क्या संदेश होता है उस पर्सन की तरफ से आपके लिए जब वो आपको इग्नोर किए जा रहा होता है, चाहे वो आपकी एक्स हो या आपके नेक्स्ट हो या फिर आपकी क्रश हो या बॉय हो या गर्ल हो, कोई भी इंसान जब आपको इग्नोर कर रहा होता है तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है। नमस्कार लव्स, आज मैंने अपने इंट्रो में ऐसे किया जैसे स्टार प्लस के सीरियल्स में होता था कि रोमुला सिकन की मौत की जिम्मेदार है ये, और सुनैना दूसरी तरफ फिंगर पॉइंट करती थी, उसको दिखाते ही नहीं थे, वहीं पर डी एंड कर देते थे। और मैं 7-8 साल की थी तब, लेकिन मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता था ऐसे डी एंड से। बट कोई बात नहीं, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लो, फिर बाकी तो आपको पूरा वीडियो में मैं बताने ही वाली हूँ ना सब। नंबर वन, जीवन में इंसान किन चीज़ों को अवॉइड करता है? पहली वो चीज़ें जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब उसको महंगी लगती है तो वो सोचते हैं कि अरे जब लेनी ही नहीं है तो फिर उसकी तरफ क्या ध्यान देना। दूसरी वो चीज़ें जो उसको चाहिए ही नहीं होती हैं, लाइक जो उसके लिए बनी ही नहीं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं गाय का चारे की तरफ क्यों देखूँगी जब मेरे पास गाय ही नहीं है? तो इससे क्या चारा बुरा मान जाए कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है? नहीं, उसको पता है कि ये मेरे लिए नहीं आया है यहाँ पे। वैसे ही हमें भी समझना चाहिए कि ये इंसान हमारे लिए नहीं आया है इस दुनिया में, तो फिर हमारी तरफ क्यों ध्यान दे। नंबर टू, इंटेंशनली इग्नोर करना। अब इस बात पे तो सबके सब अग्री कर ही लो कि हमें पता चल जाता है कि कौन हमें इंटेंशनली इग्नोर कर रहा है और कौन नेचुरली हम पे ध्यान नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो एक्चुअल में बिजी है अपने में, अपनी अपनी लाइफ में। तो जब अब ये समझ आ ही गया है कि वो जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहा है, तो उसका एक ही मतलब है कि वो आपसे हेट करता है, लेकिन उसके में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको हेट जताए, बिकॉज यू आर गिविंग ऑल योर लव और अफेक्शन जो भी, तो इसलिए वो इग्नोर कर रहा है ये जताने के लिए कि आप अपना प्यार अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। नंबर थ्री, अनइंटेंशनली इग्नोर। अब अनइंटेंशनली इग्नोर वाले सिचुएशन में जैसे ही उन्हें समझ में आएगा कि आपने इग्नोर्ड फील किया है, उनके मुँह से इमिजिएटली सॉरी निकलेगा। ऐसा सॉरी मुंह में डाला ही क्यों था वाली सिचुएशन नहीं है, उनके रियलाइज़ होके वो अपोलोजाइज करेंगे बिकॉज वो नहीं आपको हर्ट करना चाहते थे। तो इस वाले इग्नोरेंस वाली सिचुएशन में इफ़ ये मल्टीपल टाइम्स हुआ है तो इसका मतलब यही है कि यू आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर हर, तो इसलिए वो भूल जाती है या भूल जाता है क्योंकि उसने दिल नहीं लगा रखा है आपसे, तो ऐसे तो फिर इग्नोर्ड फील होगा ही ना। नंबर फोर, मिसकंसेप्शन। एक बहुत बड़ा गलतफहमी जो लोग अपने मन में रखते हैं कि अगर इग्नोर या अवॉइड कर रही है तो मतलब मेरे प्यार में है, बस कहने से शर्मा रही है। तो पहली बात तो ये कि आजकल शर्म तो किसी को आती नहीं है, जो आता है उसको एंशियस फील करना कहते हैं, मतलब थोड़ा नर्वस होना या फिर कम कॉन्फिडेंट फील करना, तो इसकी वजह से वियर्डो वाइब्स आ सकती है। बट जहाँ पे हर्टफुल इग्नोरेंस होता है कि मतलब तुम रो ही जा रहे हो कि एक बार रिप्लाई कर दो टाइप्स और वो दो बार इग्नोर करके चली गई, तो इसको तो प्यार नहीं कहते हैं, ये प्योर इग्नोरेंस है जो वो इंसान आपको अपने जीवन में नहीं चाह रहा टाइप, इसलिए आपको इतना हर्ट हो रहा है। तो हर्टफुल इग्नोरेंस इज नॉट लव। नंबर फाइव, इग्नोरेंस का दूसरा मतलब होता है एरोगेंस। तो जब इंसान के मन में इतना सारा घमंड हो कि वो ऐश्वर्या राय को भी बदसूरत बोल दे, तो फिर आपको उससे प्यार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इतना एरोगेंट और बदतमीज दिमाग क्या ही वैल्यू करेगा किसी की। ऐसे लोगों को मतलब इस टाइप के इग्नोरेंस के पीछे एक ही मतलब है कि उसको अच्छी शिक्षा और शिष्टाचार की ज़रूरत है। नंबर सिक्स, जब वो तुमको इग्नोर कर रहे होते हैं तब वो तुमसे क्या चाह रहे होते हैं? तो जो ईगो वाले लोग होते हैं वो यही चाह रहे होते हैं कि तुम उनको ऐसे ही मैसेज करते रहो और तुम उनको ऐसे ही इम्पोर्टेंस देते रहो और वो खुद को ऊंचा दर्जे का समझते रहें और तुम्हें इग्नोर करते रहें। लेकिन जो जेन्युइन लोग होते हैं उनके इग्नोरेंस के पीछे एक ही मतलब बहुत ही ऑनेस्ट और ऑब्वियस मीनिंग होता है कि पीछा छोड़ो मेरा, मत बात करो मुझसे, समझ में नहीं आता क्या, मुक्का मार के समझाऊँ अभी? तो चाहे जो भी वजह हो, जहाँ पे अनवांटेड फील हो वहाँ पे रहने की इच्छा मत रखो, क्योंकि स्वयं के हृदय से बाहर हो जाओगे किसी और के हृदय में प्रवेश करने के चक्कर में, तो खुद को बुरा लगने लगे, इतना भी अच्छा नहीं लगवाओ किसी को। अब असली मतलब समझ आ गया है तो वही करो जो तुम्हें करना चाहिए, यानी कि उनसे दूर रहो, क्योंकि वो तुमको दूर करना चाह रहे हैं तो तुम्हें भी दूर रहना चाहिए। इफ़ उन्हें तुम पास चाहिए होगे तो उनको आपको अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा, दे हैव टू ट्रीट यू वेल, एंड इफ़ दे कैन नॉट ट्रीट यू वेल तुम उनके पास नहीं जाओगे, सिंपल।
ओके तो अभी कमेंट शॉर्ट आउट का टाइम, क्योंकि यही बातें तो आगे जाके याद आएंगी। ये बी स्टार का कमेंट है, मयूरी दी, वी ऑल नो योर वीडियोज डिडंट गेट इनफ व्यूज एज मच दे डिजर्व, डोंट लूज होप, डोंट नो वाई ऑल पीपल डोंट लाइक अ जेन्युइन वीडियो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हम तो आपके 2019 से ही कनेक्टेड हैं। यार थैंक यू। तो ये तुषार पॉल का कमेंट है, अभी मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो सॉरी। तुषार स्पेलिंग ऐसा है कि यूजुअली मैंने तुषार नाम सुना है, तुषार ऐसा नाम नहीं सुना इसलिए। तो एनीवे बहुत अच्छा नाम है। मुझे ना आपके बचपन का फोटो देखना है। ओह शिट, मेरे बचपन के फोटो। अच्छा फिर मुझे ना आपके बचपन का फोटो देखना है, कितने क्यूट हो एंड आप अभी भी, आपकी स्माइल में से कितना इनोसेंस झलकता है एंड ये आउटफिट जचती खूब आप पे। ओह थैंक यू सो मच। और बचपन की मैं फ़ोटो यहाँ कहीं पे लगा दूँगी अपने, मेरे पास तो है मेरे बचपन, मैंने एल्बम में से ऐसे क्लिक कर करके फ़ोन में रखी हुई है, तो उनमें से कुछ ऐसे डाल दूँगी। एंड थैंक यू सो मच। एंड इफ़ ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करो, और व्यूज़ लाना नहीं लाना तो आप लोग के शेयर पे ही अब मैं डिपेंडेंट हूँ, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, आई एम गिविंग माई 1000% एंड कॉन्टेंट में और टॉपिक में कोशिश तो है ही, बट बाकी आप लोग भी कोशिश करो शेयर कर करके व्यूज़, ताकि मुझे मिल जाए और हमारा चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाई।